बच्चा हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और उसकी पुस्तक भारत और समकालीन विश्व, इसका हम आज प्रथम अध्याय से प्रारंभ करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आज हम राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, यूरोप का जो राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है या अवधारणा है, उसको प्रारंभ करने से पहले आप एक इस चित्र को देखिए। ये चित्र एक फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक सॉरियू ने बनाया था और ये चित्र बहुत सारी बातें कहता है। फ्रेडरिक सॉरियू ने ऐसे चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसका एक चित्र ये है। इस चित्र के अंदर उसने यूरोप और अमेरिका के लोगों को ही लिया और इसमें देखिए आप, ये बहुत सारे लोग जा रहे हैं कतार के अंदर। इसमें सभी वर्गों के लोग हैं, हैं ये यूरोप और अमेरिका के ही। इसमें ये जो लोग हैं ये उम्र में बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं। इसके अलावा इन अलग अलग देशों के हैं, इनके हाथ में देखिए अलग अलग देशों के झंडे हैं, कतार बहुत लंबी है। आगे आगे जो लोग हैं वो एक नारी की एक प्रतिमा को लेकर के जा रहे हैं और ये नारी की प्रतिमा स्वतंत्रता की देवी है जो कि फ्रांस की क्रांति के समय से इस अभिकल्पना को लिया गया है। इस नारी के एक हाथ के अंदर ज्ञानोदय यानी ज्योति की ज्वाला है और दूसरे के हाथ के अंदर अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी जैसे जैसे देश स्वतंत्र होंगे, राष्ट्रवाद आएगा, राष्ट्र बनेंगे, तो इस प्रकार की घोषणाएं होंगी जिनमें व्यक्ति का अधिकार निहित होगा, यानी राष्ट्र में उसके संपूर्ण अधिकार होंगे। और देखिए यहां नीचे की तरफ आप देखिए कुछ अवशेष हैं। ये अवशेष किस चीज के हैं? ये अवशेष उन राज्यों के हैं जहां पर कठोर शासन है, जहां निरंकुश शासन है। और ऐसा माना गया है फ्रेडरिक सॉरियू के हिसाब से कि अब उनका अंत निश्चित है। इन अवशेषों की तरह वो निरंकुश शासन भी अब रहने वाले नहीं है, उनका भी अंत हो जाएगा। ऊपर से आप देख रहे हैं इसके अंदर ईसा मसीह, अन्य देवता, फरिश्ते वगैरह इसको देख रहे हैं। लेकिन इसमें है किस प्रकार से विशेष बात यह देखने की है कि इसमें जो अग्रिम पंक्ति में यानी इस मूर्ति से भी जो आगे निकल गए वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग हैं, क्योंकि वो स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, वो संपूर्ण राष्ट्र बन चुके हैं, यानी वो इस स्वतंत्रता की मूर्ति से भी काफी आगे हैं, तुलना की गई है। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे हैं, लगभग इस मूर्ति के पास में पहुंच चुके हैं, वो फ्रांस के लोग हैं, क्योंकि फ्रांस ने अभी थोड़े समय पहले ही अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पाया है और वहां नए राष्ट्र का जन्म हुआ है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे जर्मनी के लोग हैं। जर्मनी के लोग कई, उनके पास कई प्रकार के झंडे हैं, कई रंगों के झंडे हैं, लाल भी है, पीला भी है, नीला भी है, अनेक प्रकार के झंडे हैं, क्योंकि वहाँ भाषा के हिसाब से जो अलग अलग राज्य और प्रांत बने हुए थे वो अपने अलग अलग झंडे लेकर के आए थे। लेकिन 1848 के दशक में जब ये घटना हुई, जब ये चित्र जिस समय का बना हुआ है, उस समय ये स्थिति थी कि वो उदारवाद का समय था, यानी सभी देश एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, आपस में अच्छे रिश्ते बन रहे थे, सामंजस्य हो रहे थे। जर्मनी को भी ये उम्मीद थी कि मेरे जो अलग अलग राष्ट्र हैं, अलग अलग भाषा के हिसाब से जो बटे हुए प्रांत हैं, राज्य हैं, वो एक हो जाएंगे और एक संयुक्त जर्मनी का निर्माण होगा। इस आशा के अंदर, इस उदारवाद युग के अंदर वो तीसरे स्थान पर हैं। उसके बाद में भी कई राज्य हैं, जैसे इंग्लैंड भी है, रूस भी है, इटली के कुछ क्षेत्र हैं, ऑस्ट्रिया है। ये राज्य वो राज्य हैं
जो अभी तक स्वतंत्रता की होड़ में लगे हुए हैं, वो अभी तक स्वतंत्र हुए नहीं हैं, वहाँ निरंकुश शासकों का शासन है। तो ये जो चित्र है उस वो यूरोप और अमेरिका के तत्कालीन स्थिति का वर्णन करता है, उनकी स्थिति के बारे में बताता है कि उस समय उनकी स्थिति किस प्रकार की है। इस चित्र का मैंने आपको इस चित्र के बारे में बताया, अब हम इस चित्र के बारे में देखते हैं। विश्व की प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848, यानी फ्रेडरिक सॉरियो ने कल्पना की है 1848 के अंदर कि विश्व के जो सारे प्रजातांत्रिक राज्य हैं और जो सामाजिक गणराज्य हैं उनके बीच में आपस में संधि हो गई है, वो सब एक साथ इस जुलूस के अंदर जा रहे हैं। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियो ने चार चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। सॉरियो ने चार चित्र बनाए थे इस प्रकार के, जिसमें उसने सपनों का एक संसार रचा, उसने एक कल्पना की थी जो मैंने आपको अभी बताई, और उस कल्पना के अनुसार जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर के वो संसार बनता है। सॉरियो की कल्पना थी कि जो पूरा संसार है इसमें सारे देश जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हों, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हों, वहाँ गणतंत्र हो, वहाँ लोगों का शासन हो, निरंकुश शासन व्यवस्था उस कचरे की तरह हो जाए जो उस चित्र में बताया गया था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इस चित्र के अंदर जो लोग हैं वो यूरोप और अमेरिका के हैं। इनमें सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा इस चित्र के अंदर सभी उम्र के लोग हैं, स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी वर्गों के भी लोग हैं, और वो इस स्वतंत्रता की प्रतिमा को लेकर के वो इस आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे, यानी जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उन्होंने स्वतंत्रता की कल्पना की एक महिला के रूप में, उसको एक महिला का रूप दिया गया था। यहाँ भी एक हाथ में वही ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य की घोषणाओं का पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे पड़े हैं। जैसा कि आपने देखा था उस चित्र के अंदर जो आगे आगे वो अवशेष पड़े हुए हैं जो कि निरंकुश शासकों की अवशेष हैं, वो निरंकुश संस्थाओं के, यानी वो संस्थाएं अब ध्वस्त हो चुकी हैं। अब जब गणतंत्र आ चुका है तो राजतंत्र अब समाप्त हो चुका है, वो ध्वस्त है, उसके अवशेष हैं। अब देखिए बीच में निरंकुशवाद आया है, इसलिए मैं आपको निरंकुशवाद के बारे में बताऊंगा। निरंकुश यानी जिस पर कोई अंकुश ही ना हो, जहां सत्ता एक केंद्रीकृत हो, एक ही व्यक्ति के पास जहां सत्ता हो और जहां सेना के द्वारा शासन चलाया जाता हो, वो निरंकुश शासन होता है। समय समय पर इस संसार में बहुत सारे निरंकुश शासक रहे, और आप देखिए जर्मनी का हिटलर तो पूरे विश्व के लिए निरंकुश हो गया था, इटली में मुरोसोली मारन और बहुत सारे ऐसे शासक हुए। आज भी हम देखें तो उत्तरी कोरिया के अंदर जो शासक है वो भी निरंकुश शासकों की श्रेणी में है। यहाँ पर जनता की इच्छा नहीं चलती, जनता के हिसाब से चुनाव नहीं होते, वो वोट नहीं करते और शासक का चुनाव नहीं करते, अतः निरंकुश शासन में एक व्यक्ति का शासन होता है और वो सारी सत्ता सारी शक्तियां उसके ही हाथ में होती हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश कहा जाता है। ऐसे राजाओं की सरकार को जो अत्यंत केंद्रीकृत होती है, एक जगह पर ही सेंट्रलाइज्ड, एक जगह पर ही केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित यानी सेना के द्वारा शासन चलाया जाता है। जबकि आप देखते हैं सामान्यतः कि न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, व्यवस्था पालिका होती है, वहाँ केवल एक शासक होता है और उसकी सेना होती है,
और दमनकारी सरकारें होती हैं, ये लोगों का दमन करती हैं, उनकी इच्छाओं का दमन करती हैं, उनके विचारों का दमन करती हैं, उनके अधिकारों का दमन करती हैं। लेकिन इसके विपरीत ही कल्पनादर्श, यूटोपिया, कल्पनादर्श का मतलब है कि इस प्रकार की का शासन हो जिसमें सब कुछ ठीक ही ठीक हो, यानी आदर्श शासन हो, जैसे राम राज्य की अगर कल्पना करें तो वो कल्पनादर्श है। कल्पनादर्श शासन जो है उसका होना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतनी आदर्शवान हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। अब देखिए, अब आगे अपन उसी चित्र की कहानी अभी चल रही है। सौर्यों के कल्पना दृश्य यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए थे, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। वो कहता है कि कल्पना दृश्य का होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन दुनिया में अलग अलग राष्ट्रों में इस प्रकार के लोग बटे हुए हैं। कुछ जगह पर इसके हमको दृश्य दिखाई भी देते हैं और उसको इन चित्रों में उसने अलग अलग पोशाकों के द्वारा भी बताया है। अब देखिए, वो जो मैंने आपको चार प्रकार बताए थे कि मूर्ति के साथ साथ उस स्वतंत्रता की मूर्ति के साथ किस प्रकार से लोग जा रहे हैं, जो सौर्यों की कल्पना है, फ्रेडरिक सौर्यों की, उसके बारे में देखिए। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। यानी उस मूर्ति से भी जो आगे जा रहे हैं, एक तो अमेरिका जा रहा है और एक स्विट्जरलैंड जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, वहां राष्ट्रवाद आ चुका है, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति वहां हो चुकी है। फ्रांस क्रांतिवादी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, और वो फ्रांस उस कैटेगरी में आने वाला है, राष्ट्र का रूप धारण करने वाला है, उस वो अभी वहां पहुंचा ही है, उसके पास वो क्रांतिकारी तिरंगा है जिसने राष्ट्रवाद को अपनाने के लिए अपने खूब शहीद हुए, क्रांतियां की और अंत में राष्ट्रवाद की स्थापना की। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। जर्मनी के लोगों के पास कई प्रकार के झंडे हैं, काला झंडा भी है, लाल झंडा भी है, सुनहरा रंग का भी झंडा है। क्यों है? क्योंकि जिस समय सौर्यों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। यानी वो अलग अलग भाषा के आधार पर उनके अलग अलग प्रांत थे, उनका एक संयुक्त राष्ट्र नहीं बना था, इसलिए उनके झंडे अलग अलग प्रकार के थे। जो झंडा वो थामे हुए थे वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। यानी वो अब इस उम्मीद में थे, क्योंकि वो उदारवाद का दौर था, वो ये चाहते थे कि ये वो झंडा है जो हम पूरे राष्ट्र को, सभी प्रांतों को एक कर दे, जो हम भाषा के आधार पर अलग अलग राष्ट्र बने हुए हैं, वो सभी राष्ट्र एक हो जाएं, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एवं राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। अब देखिए, जर्मन लोगों के बाद में चौथे नंबर पर कौन है? तो देखिए, उसमें ऑस्ट्रिया है, और दो सिसलियों की राजशाही वाला, जहाँ पे राजा के शासन थे, इटली के पास में दो द्वीप हैं, वो हैं। उसके बाद में लामबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस, यहाँ पर भी राजाओं के शासन थे। कहाँ पर? आप देखिए, रूस में भी जार का शासन था, हंगरी के अंदर भी राजा का शासन था, आयरलैंड और इंग्लैंड यहाँ पर महारानी का या शासक का शासन होता है, पोलैंड में भी था, लामबार्डी में भी था। इस प्रकार से ये वो राष्ट्र थे जो अभी तक राजशाही से, यानी राजा के द्वारा शासित हुए थे, और यहाँ पर अभी राष्ट्रवाद की या राष्ट्र बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। ये उस कतार में सबसे पीछे थे। अब ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए थे। ऊपर से गॉड, भगवान ईसा मसीह उसको देख रहे थे, फरिश्ते देख रहे थे, संत देख रहे थे। वो ये देख रहे थे कि सभी भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और ये जा रहे हैं भविष्य में, अगर इनकी उनको ज़रूरत पड़ेगी, उनकी उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो एक दूसरे की मदद करेंगे।
चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है, यानी भाईचारा होना चाहिए, सभी एक दूसरे को राष्ट्र बनने में मदद करें। अर्नेस्ट रेनन भी एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे और उन्होंने राष्ट्र क्या है इस संबंध में पहले सौबान विश्वविद्यालय के अंदर अपना एक व्याख्यान दिया। 1882 में सौबान यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एक व्याख्यान हुआ अर्नेस्ट रेनन का, जिसका विषय था राष्ट्र क्या है, राष्ट्र की परिभाषा उन्होंने विस्तृत रूप से बताई। बाद में उनके उस व्याख्यान को एक निबंध के रूप में दिखाया गया, बताया गया, छपा, उसका हम यहाँ देखेंगे राष्ट्र क्या है। यद्यपि उस समय राष्ट्र की विभिन्न परिभाषाएं आती थीं, लोग कोई धर्म के आधार पर, कोई वर्ग के आधार पर, कोई भाषा के आधार पर राष्ट्र बताते थे, लेकिन अर्नेस्ट रेनन ने कहा कि नहीं, राष्ट्र वो नहीं है, राष्ट्र वो जनसमूह है जिन सबकी एक ही इच्छा हो, जिन सबका एक ही अतीत हो, जिन जो अभी वर्तमान में सब एक ही बात सोचते हों और भविष्य की कल्पना भी उनकी एक ही हो। इसके अलावा रेनन ने यह भी कहा कि एक ही राष्ट्र के चाहे शासक हो, चाहे जनता हो, चाहे प्रजा हो, कोई भी हो, वो सब उस राष्ट्र की भलाई के लिए चाहते हैं और सब एकजुट होकर के रहना चाहते हैं। राष्ट्र वो चीज है जो सबको एक रूप में, एक सूत्र में बांधती है। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सौबान विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों के द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, समान नस्ल, समान धर्म या समान क्षेत्र से बनता है। मैंने आपको भी बताया था कि रेनन से पहले इस तरह की विचारधारा आई थी कि राष्ट्र जो है एक समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र होने से राष्ट्र बन जाएगा, यानी वो एक ही राष्ट्र हो गया। इसकी उन्होंने आलोचना की कि नहीं, ये इसकी उपयुक्त परिभाषा नहीं है। तो रेनन के हिसाब से क्या था कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। जब सब लोग बहुत प्रयास करते हैं और सबकी एक ही निष्ठा होती है, तब जाकर के उसका जो परिणाम निकलता है वो एक राष्ट्र है। वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। और फिर राष्ट्र की विचारधारा क्या होती है, उसका बहुत वीरतापूर्ण लिए हुए उसका अतीत होता है और गौरवशाली उसका भविष्य होता है, और उसके जो राष्ट्रीय विचार इसी पर, उस गौरवशाली अतीत पर और वीरता पर आधारित होते हैं, उसका इतिहास बहुत सुंदर होता है, वीरतापूर्ण होता है, वो एक राष्ट्र की अवधारणा है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा का होना, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। उन्होंने एक ऐसे जन समूह की कल्पना की राष्ट्र के अंदर जिन सबका अतीत यानी भविष्य, जो भूतकाल था, वो सबका एक समान था। आज जिनकी सबकी एक ही इच्छा है, राष्ट्र की प्रगति की इच्छा है, वो भी एक राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्व है। और भविष्य यानी उस राष्ट्र के लिए सब अच्छा करेंगे, उस राष्ट्र को आगे विकास करने के लिए सभी मदद करेंगे, सब मिलजुल कर काम करेंगे, तब राष्ट्र एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। ऐसे जन समूह को राष्ट्र कहा गया। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। ये बहुत व्यापक कल्पना है, बहुत व्यापक दृष्टिकोण है, यानी इसमें जो जनमत संग्रह है, प्रतिदिन लोगों के जो दृष्टिकोण में अगर बदलाव हो जाए तो वो राष्ट्र की अवधारणा से अलग हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन का जनमत संग्रह, प्रतिदिन राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना होना ही एक राष्ट्र, अच्छे राष्ट्र का, एक मजबूत राष्ट्र का प्रमाण है। प्रांत उसके निवासी हैं, यानी अलग अलग प्रांत होते हैं एक राष्ट्र के अंदर जहां लोग रहते हैं, इसलिए इसको ऐसे कहा गया है कि प्रांत उसके निवासी हैं।
अगर सलाह लिए जाने पर किसी का अधिकार है तो वो निवासी हैं। यानी अगर मान लो उस राष्ट्र में किसी से सलाह लेनी है, यानी किसकी मर्जी से वो राष्ट्र चलना है, तो वहां के निवासियों की मर्जी से ही उस राष्ट्र का संचालन होगा। ये राष्ट्र की अवधारणा में है। और किसी देश का विलय कर लेना या स्वयं किसी दूसरे देश में जाकर के विलय होना, यह भी राष्ट्र की अवधारणा के विरुद्ध है। किसी देश का विलय करके या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्र कभी नहीं चाहता कि मैं किसी दूसरे राष्ट्र से जाके विलय हो जाऊं, या उसका मेरे अंदर विलय कर लूं, या मैं किसी दूसरे राज्य पर जाकर कब्जा कर लूं। इस प्रकार राष्ट्र कभी नहीं चाहता। हां, शासक की ऐसी इच्छा हो सकती है, राष्ट्र की नहीं। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है। यानी सारे जो देश हैं वो एक राष्ट्र के रूप में होने चाहिए, उनका अस्तित्व होना चाहिए। बल्कि एक यह एक जरूरत भी है, यह आवश्यक है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। उन्होंने कहा रेनिन ने कि सभी जो हैं वो एक राष्ट्र के रूप में विकसित होने चाहिए। सब राष्ट्र मतलब यहाँ राज शक्ति समाप्त होनी चाहिए और सारे ही देश राष्ट्र के रूप में होने चाहिए। वो अलग अलग होने चाहिए। वो स्वतंत्र तभी माने जाएंगे अगर पूरे संसार पर किसी एक ही व्यक्ति का शासन हो जाए, तो राष्ट्र वाली जो अवधारणा है वो गलत सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति का जहाँ शासन होगा, केंद्रीकृत शासन होगा, वहां राष्ट्र कभी भी नहीं हो सकता। अब देखिए 19वीं सदी आते आते क्या होता है कि उस समय राष्ट्रवाद की जो अवधारणा थी बहुत प्रबल हुई। जब 1800वीं सदी के अंत में और फ्रांस ने 1789 के अंदर इस राष्ट्रवाद की अवधारणा को सबसे ठीक ढंग से अभिव्यक्त किया, क्योंकि उसने वहां से जो शासक थे, राजा थे, उनको वहां से हटा दिया और वहां पर लोगों का एक शासन स्थापित किया। तब यह अभिव्यक्ति पूरे यूरोप के अंदर फैली कि हाँ, राष्ट्रवाद क्या है। और सारे जो यूरोप के दूसरे देश थे वो भी राजतंत्र से मुक्ति पाना चाहते थे, क्योंकि उस समय वहां पर ऐसी परंपराएं चल रही थी, अनेक शासकों के शासन थे, अनेक राजाओं के शासन थे, एक उनके वंशीय परंपरा के हिसाब से उनके शासन चल रहे थे बहुत समय से, पहले वो, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और बहुत बड़े भूभागों पर उनके शासन थे। ये राजाओं के जो वंश थे, ये लगातार जो शासन कर रहे थे, ये जो राजतंत्र था, अब जनता उसको ख़त्म करना चाहती थी और वहाँ पर राष्ट्रों का निर्माण करना चाहती थी। फ्रांस ने उसके अंदर प्रेरणा स्रोत का काम किया। फ्रांस को देख करके अन्य जो देश थे उन्होंने भी इस बात को सोचा कि भाई क्रांति करनी चाहिए और हमारे देश को राजतंत्र से मुक्त कर प्रजातांत्रिक देश का निर्माण करना चाहिए और यहाँ पर राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। पूरा यूरोप का जो राजनीतिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी सब में बदलाव आ गए। राष्ट्रवाद एक जो शब्द था वो उभर करके आया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रवंशीय साम्राज्यों के एक स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी जो बहुत सारे राष्ट्रों पर एक ही वंश जो था वो शासन करता था, उसके स्थान पर अलग अलग राष्ट्र बने और उनका अलग निर्माण हो, यह परंपरा वहां आने लगी। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे जिनमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। यानी अभी तक वहां क्या चल रहा था, एक स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र, यानी ये वाला जो इतना क्षेत्र है यहां पर एक केंद्रीय शक्ति की प्रभुसत्ता है, यानी यही इसका शासक है, ऐसा बहुत दिनों से यूरोप में चल रहा था। जबकि राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। यानी राष्ट्र राज्यों में क्या था, राष्ट्र राज्यों में चाहे शासक है चाहे उसके नागरिक हैं,
उन सब की एक साझा पहचान, सामूहिक पहचान जहां होती है तो राष्ट्र के नाम से होती है, न कि व्यक्तिगत नाम से। वैसी भावना रखने वाले जहां लोग रहें और जो अपने इतिहास को और विरासत को उसके प्रति सम्मान की भावना रखें, ऐसे जो देश हैं वो राष्ट्र बन जाते हैं। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं और आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई। यह साझेपन की भावना यानी पूरे पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को एक मानना, सामूहिक एकता, यह भावना लोगों में ऐसे ही नहीं आई थी। पहले वहाँ राजवंश थे, उन राजवंशों के अत्याचार के बाद में वहाँ लोगों ने आंदोलन किए, यानी उन्होंने संघर्ष किए। फिर उसमें नेता उभर करके आए, शीर्ष नेताओं ने जब उन आंदोलनों का नेतृत्व किया तो फिर आम लोग भी उसके साथ जुड़े और फिर नए राष्ट्र हुए, वो स्वतंत्र हुए, आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। अतः लंबे समय तक किए गए आंदोलनों और उसमें नेतृत्व करने वाले नेताओं और आम जनता के द्वारा राष्ट्र राज्य की कल्पना साकार हुई, तब जाकर के राष्ट्र राज्य बने। तो बच्चों, आज हमने इस पहले अध्याय के अंदर राष्ट्रवाद से प्रारंभ किया, राष्ट्रवाद की अवधारणा पर निष्कर्ष निकाले, उसके बारे में परिचय लिया, और अब मैं यही विराम लेता हूँ और अगले भाग में बच्चों हम फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्र एक विचार के साथ प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।